रहे उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होने हैं। मतदान की पूर्व संध्या मतदाताओं की क्या राय है, आइए दिखाते हैं उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश। विधानसभा उपचुनाव को लेकर के मतदान कल होना है और मतदान से पहले हम गांव में जा रहे हैं, गांव के मतदाताओं को टटोल रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, क्या उनके मुद्दों पे ही ये चुनाव हो रहा है, क्या उनके मुद्दों को जो है प्राथमिकता से रखा जाएगा, क्या उनके मुद्दों के मुताबिक जो है विकास कार्य होंगे या नहीं, यही जानने के लिए हम मरवाही विधानसभा क्षेत्र के गांव में पहुंच रहे हैं। और हम पहुंचे हैं मरवाही विधानसभा क्षेत्र के मझगवां में, जहाँ पे हमें कुछ किसान मिले, गांव के लोग मिले जो कि यहाँ पे अभी काम कर रहे थे। अब हमारे कैमरे को देखते हुए वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल उपचुनाव को लेकर के किस तरह की जो है चर्चाएं है गांव में, क्या चर्चा है उपचुनाव को लेकर के फिर से जो है मतदान करने जा रहे हैं। चर्चाएं ये है कि हमारी बांध का जो पानी है हमारे किसानों को मिलना चाहिए, और ये जो पानी है बांध की यहाँ तक आना चाहिए ऊपर तक, और यहाँ से जो पानी है अपने खेती में जाएगी और खेती की जो फसल है वो अपने किसान लोग उगाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो पेयजल की समस्या है ये गांव तक अपने हर घर में पानी का जो समस्या है वो सब घर में पानी पहुंचना चाहिए। गर्मी में परेशानी होती है, लोग यानी पानी पीने के लिए तरसते हैं, दूर दूर तक जाके पानी भर के लाते हैं, अपना ला के अपना जीवन यापन करते हैं पानी से। किसान न्याय योजना का लाभ आप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2500 रुपए में खरीदी हो रही धान? हो रही है 2500 में हो रही है, हो रही है। ठीक है योजना? ठीक है वो। अच्छा, यहाँ रोड का समस्या है, पानी का, बिजली का। वो आते हैं तो यही बोलते हैं बोर दीजिए, हमको जिताइए, आपके यहाँ विकास करेंगे। हम लोग भी बोले हैं आपको जिताएंगे, और हमारे जो भी घाटा बढ़ा है उसके बारे में उनको बतलाए हैं, देखिए जीतते हैं क्या करते हैं, क्या करते हैं, यही विश्वास लेके पड़े हैं। पहले जैसे उपचुनाव नहीं है, कुछ अलग ही टाइप का हो रहा है इस उपचुनाव में। अच्छा, हमें अच्छा विधायक चाहिए, विकास करे, विनाश की ओर विधायक नहीं चाहिए, विकास वाला विधायक चाहिए। विकास वाला विधायक? हाँ, विकास। क्या क्या विकास चाहते हैं गांव में? गांव में पानी हो, बिजली हो, है ना, सड़क बढ़िया, जहाँ जहाँ कच्ची सड़क बने हैं वहाँ पक्का सड़क बनाया जाए। बिजली तो है, देखे बिजली दिख रही है, देखो देख जल जल भी रहा है। बिजली ठीक है, बिजली है, कहीं कहीं सड़क भी है, देखे पक्की सड़क आपके गांव। वो बात ठीक है, जहाँ जहाँ नहीं पहुँची है। अच्छा, हाँ, कहाँ नहीं पहुँची है? जहाँ आवश्यकता है, जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जंगली क्षेत्र में आवश्यकता है, नहीं पहुँच पाई है वहाँ के लिए। हाँ, विधायक अच्छा विधायक चाहिए भाई, अच्छा विधायक। हाँ, अच्छा विधायक चाहिए। गाँव में पूरा भ्रष्टाचार है, का है यहाँ पूरा भ्रष्टाचार है। इस बार अच्छा विधायक चाहिए? विधायक तो सब अच्छा है। गंभीर सिंह का बिगाड़ा है कि भूपेश बघेल का बिगाड़ा है? हमारे लिए दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। लेकिन किसको चुनेंगे फिर, कौन सा कैसा विधायक चाहते हैं भाई? ये तो नहीं कह सकते हम किसको चुनेंगे, नहीं, कैसा चाहते हैं कौन विधायक आपका कैसा हो? विधायक विकास, जो विकास कर सके उसको वो चाहिए। कैसा विकास होना चाहिए? अब मरवाही क्षेत्र में का सबसे पिछड़ा वो तो है मरवाही, यहाँ न पानी का सुविधा है, बिजली है, तो जब मन पड़ा तो बाबूती राज है, जब दिए जब मन पड़े नहीं दिए। जोगी जोगी के बिना चुनाव कैसा लग रहा है भाई? जोगी जब हारे हैं, जो खत्म हो गए हैं, तो उसके बिना ये जो मरवाही क्षेत्र है सुनना लग रहा है, हैं? अब इसको कोई जनता नहीं जान सकते कि भाजपा आएगी कि कांग्रेस आएगी, अभी कुछ नहीं कह सकते। अब ये लहर को कोई नहीं जान सकते। चलिए ठीक है, जोगी रहते तो उसकी बात नहीं है, ना भाजपा की ना कांग्रेस की, जोगी आती। चलिए ठीक है, तो ये गांव वालों की बात है और हम चाहते हैं कि जो भी विधायक यहाँ पे चुनकर आए वो गांव वाले की बातों को जो है गंभीरता से सुने, उनके मुताबिक जो है काम करे, जो कमियां रह गई है गांव में उन कमियों को वो दूर करे, और विधायक ऐसा हो जो न सिर्फ जो है विकास करे बल्कि गांव वालों से मिलने भी आते रहे, उनकी समस्याओं को वो सुनते रहे ताकि समय पे उस पे अमल हो सके। तो देखते हैं कि 3 नवंबर को जब ये मतदान करने के लिए जाएंगे तो फिर वो किसके पक्ष में मतदान करते हैं, और 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो इनका नया विधायक कौन होगा। कैमरामैन रेखराम के साथ वैभव सिपांडे, स्वराज एक्सप्रेस, मरवाही, कोटा।